ये देखें जी, दुबई वाले इंजन आए हुए हैं और क्या कहते हैं, होते जापानी है, होते जापानी लेकिन टैक्स कम होने की वजह से ना इसे नहीं है। ठीक है ठीक है। देखें जी, ये आपकी वैगन आर वगैरह के जो रिम आते हैं उस वो रिम है। अच्छा, ये मार्क एक्सेस स्टीयरिंग है ना? हाँ, मार्क एक्सेस स्टीयरिंग पड़े हैं। ठीक हो गया। ये अभी मतलब के कंटेनर से उतरे हैं, ये सारे अभी नया स्टॉक आया और इन्हीं में से आधा सामान ना अंदर वर्कशॉप पे पड़ा, वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। एक और चीज बड़ी होती है, ये कितने चले हुए होते हैं जी? चले हुए जो भी आपको बताता है, एक दो चीजें मैं आपको, एक जो मॉडल आपको कोई बताता है ये इस मॉडल का कंफर्म, वो झूठ बोलता है। ठीक है, आपको ये बता दे कोई कि ये इतना चला वो झूठ बोलता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज हम आए हैं कच्चा स्टॉक और आपको आज दिखाएंगे न्यू स्टॉक और शुरू करते हैं जी। खान लोग ने घेरा डाल दिया है तो ज़रा शुरू करते हैं वीडियो और साथ रहिएगा। ये जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टॉक आया हुआ है और मैं हमेशा की तरह टाइम पर आता हूँ और आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यार इधर आना ज़रा, अब यहाँ से ज़रा शुरू करते हैं ना, कुछ मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा, ये मार्क एक्सेस स्टीयरिंग है ना? हाँ, मार्क एक्सेस स्टीयरिंग पड़े हैं। ये अब यहाँ पे दोबारा बता देते हैं हम अपने व्यूअर्स को, ये लॉट में बिकता है सामान, सिंगल सिंगल पीस नहीं बिकता बिल्कुल ना। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाते रहेंगे। ये स्टार्टर मोटर है, ठीक है जी, इंजन स्टार्टर, सस्पेंशन उस साइड पड़ी हुई है। और यहाँ पर एक मिनट रुकना जी, ये ज़रा घुमाना, हाँ वैसे ही दिखा दें। ये लगाई, अच्छा टेप लगी हुई, अच्छा 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 ठीक है। नहीं जाओगे दिखाते हैं, ये इंजन पड़े हैं पैक बिल्कुल। ये किधर की लाट आई है, हैं? अच्छा ये जापानी इंजन आए, ठीक है जी। अच्छा ये कौन सा इंजन है? एक्जियो का। ठीक हो गया। ये अभी मतलब के कंटेनर से उतरे हैं तो भाइयों, ये जो डाउट होता है ना कि यहीं के इंजन यहीं रिपेयर करके देते हैं, तो ये कंटेनर आए हैं तो आप लोगों को दिखाना। K24 भी आया जी, क्या बात है जी, CL9 कह रहा हूँ। अच्छा पूरा कंप्लीट है। अच्छा गियर किधर है इसका? अच्छा ये गियर है, ठीक है। होंडा रिबॉन आ गई, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, कीमतों वगैरह का हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि अभी हम आए हुए हैं बाज़ार के अंदर। यहाँ पे ना 3-2-1 होती है, सारा स्टॉक बिक जाता है, ठीक है। तो आपको इंजन के रेट ना हम वर्कशॉप में जाकर बताएंगे। अच्छा ये मीरा का इंजन है, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नए शेप वाली आल्टो का। ये टर्बो चार्ज होता है, ये सादा ही है। अच्छा ट्रिप्टॉनिक गियर वाला, ठीक है। ये देखें जी ट्रिप्टॉनिक गियर इस तरह का होता है, ठीक हो गया। ये 3S है, ये कार्बेटर वाला, डिस्ट्रीब्यूटर वाला, गुनागार क्यों? हाँ 3S का सामान नहीं मिलता ना, करो यार हमने तो रखा हुए है। अच्छा कार पुराना मॉडल है, कार्बेटर वाला, ठीक है ठीक है। फिट हो यार, होंडा फिट का ये, ठीक है। मैं क्या पता नहीं 3S का क्यों बदनाम कर रहे हो, वो तो बड़ा मशहूर इंजन है, वो 3S F ही मशहूर है। वन एन आर, ठीक है ठीक है ठीक है। वन क्या, ठीक है। वाकई यार इंजन तो वाकई बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं यार, मुझे इतनी चीज़ें देख के एक्साइटमेंट हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि बस ना एक मरता यस करें। आगे आओ नज़र आइए अब। अच्छा वेट्स वगैरह, ठीक है। ये वन क्या है इसमें, ठीक है। अभी हम करते हैं कि सारा सामान थोड़ा बहुत दिखा के फिर वर्कशॉप के अंदर जाते हैं। हाँ इंजन ये सारे अभी नया स्टॉक आया और इन्हीं में से आधा सामान ना अंदर वर्कशॉप पे पड़ा, वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। बकाया हम आपको पार्ट्स दिखाते हैं और फिर उसके बाद ना अंदर जाते हैं, क्योंकि हमने वीडियो लंबी नहीं करनी, फिर आप लोग ना कहते हैं वीडियो पर बोरियत शुरू हो गई है। अच्छा ये पड़े हुए जी फ्यूल पम्प पड़े हुए, क्या है कंटेनर, ये इंजन अभी माल उतरेगा। अच्छा अभी उतरेगा, क्या बात है यार। ये चेक करें जी, इस तरह बॉक्सेस आते हैं। अच्छा ये बॉक्स पूरे पूरे बिक जाते हैं, बिके हुए, अच्छा बिके हुए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये विट्स का सामान, आल्टो का सामान ये सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस साइड अगर आ जाएं जी, ये मीरा की लाइटें, जो आल्टो है जो नया मॉडल जो पाकिस्तान में फिर रहा है उसका नहीं सामान मिलता, सामान मुकम्मल गाड़ियाँ मिलती। अच्छा तो वो साइड मिरर उसका चाहिए था,
मिल जाएगा वो पता करा के दो ना। अच्छा वो ना दोस्त ने कहा था, अब मुझे जिस तरह कॉल आ जाती है दोस्तों की कि भाई ये आप कच्चा स्टॉप जाते हो तो हमारे लिए ज़रा अरेंज कर देना चीज़ें। और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त देखे, ये वो आज़ाद चाय वाला मशहूर हो गया था, ये भी देखो यार कितना पप्पू बचा है ये आजकल हमारे साथ फिरता है। अच्छा यार ये देखो, ये अब देखो कि ये आप लोग लगवाते हैं जी चाइना के लोकल लोकल लगवाते हैं। ये अब ये ओरिजिनल आए हैं लॉट में, ठीक है। ये वीगो वगैरह पे लगते हैं, लैंड क्रूज़र पे लगते हैं, ठीक है, प्राडो पे, रोको पे, ये पुराने मॉडल की गाड़ियों पे इजीली लग जाते हैं। ये मुकम्मल गाड़ियाँ रिबॉन की, ये रिबॉन की सारी कटी हुई गाड़ियाँ पड़ी हैं, ठीक हो गया। ये जैसा कि देख सकते हैं जी, अच्छा ये देखें जी दुबई वाले इंजन आए हुए हैं, और क्या कहते हैं होते जापानी है, होते जापानी लेकिन टैक्स कम होने की वजह से ना इसमें नहीं है। ठीक है ठीक है, ये क्या ब्लॉक है? अच्छा हाइब्रिड बैटरी है, ठीक 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 ठीक। ये सारा पैक पड़ा हुआ है जी, ये मतलब है अभी बिक चुका है सामान, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा। तो ये बड़ा रोला होता है, आप लोग भी दुखी होते हैं, मैं भी दुखी होता हूँ, क्योंकि ये चीज़ देख के ना फिर दिल करता है बंदा ख़रीदे। ये दूसरा कंटेनर आया गया जी। अच्छा इसमें टायर भी निकले हैं, इंजन भी निकले हैं, ठीक है। ये छोटी गाड़ियों के ना 660 वगैरह के, ठीक है। इस साइड से दिखा देता हूँ मैं, ये देखें जी, ये आपकी वैगन आर वगैरह के जो रिम आते हैं उस वो रिम है। अच्छा किसका हाईएस्ट का इंजन है? अच्छा ये हाईएस्ट का, ये तो वो मुझे 7 के लग रहा है, 2L3L ये वाले, 2L3L ये प्रियस है, प्रियस अच्छा हाइब्रिड इंजन, ठीक है ठीक है। तो ये के अच्छा ठीक है, वो कीमतें अंदर जाके पता कर लेंगे। ये सिटी होंडा सिटी, होंडा सिटी का भी पड़ा जी, होंडा सिटी का भी तक आ रहा है, बड़ी बात है ढेर तो आता है, इतने आते हैं कि बहुत आते हैं। अच्छा होंडा सिटी मतलब पूरे दुनिया में चल रही है, ये विजल का, ठीक है जी। सामान पूरा पूरा आता है जी, ये चेक करें जी, लश पश इंजन आए हुए, सही हो गया। और कुछ नया सामान देखते हैं ज़रा, ये जैसा कि देखें जी, अभी ये बंदे ने सारे स्टेयरिंग ख़रीद लिए हैं, ठीक है। सुबह लोग आते हैं, सुबह 8 बजे नमाज इस तरह हो जाए। अच्छा फजर की नमाज के बाद आके सारे पेशावर से आते हैं लोग, बस काम। अच्छा जल्दी हो जाए, निसान है, हाँ निसान के वो छोटी गाड़ी के, ठीक ठीक है, ज़बरदस्त यार। अच्छा ये वाली जो लाइटें ना, मतलब समझ लें कि इसको हम कहते हैं जी 10x5, तो ये थोड़ी सी कंडीशन में रफ़ होती हैं, लेकिन आपको काफ़ी मुनासिब रेट में मिल सकती हैं। यहाँ पे साइड मिरर्स हो गई, ये ना साइड पे पड़ी है। अब जो अच्छा माल होता है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वह इस तरह ये पैक आता है, ठीक है ना, जिस तरह ये सामने आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप उन्हें गौर करनी है इधर आके, और क्या चीज़, हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त है कंप्रेसर, ये हाँ हवा वाला जो है ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ये मैंने रखा हुआ गाड़ी के अंदर, हर जगह काम आया ये, मतलब हाँ काम आने वाली चीज़ है। अच्छा ये वाइपर मोटर है, ये ठीक है। और इसी से क्या नाम है, जो घरों में गैस नहीं बनाते, हाँ हाँ उल्टा सिस्टम करके गैस खींचते घरों वाले, हाँ वो कंप्रेसर उसमें भी लगे, वो ख़तरनाक चीज़ है वैसे, वो नहीं है वो, वैसे लोग करते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं। होंडा फिट की लाइट है, ठीक है जी ठीक है। बकाया मैं आपको एक मरत यहाँ से नज़र डाल देता हूँ, मैं अगर थोड़ी छोटी छोटी आपको क्लिप दिखा दूँ, बेसिकली हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो भी मैं आपको सारी बात बताता हूँ। और यहाँ पर आने का कोई मकसद होता है, नहीं तो मैं अपने कपड़े जो बर्बाद करके इधर आता हूँ, ये देखें किसी वजह से आता हूँ। तो खैर अभी चलते हैं वर्कशॉप और आपको सारा सीन दिखाते हैं, साथ रहिएगा। ये अभी हम वर्कशॉप की तरफ जा रहे हैं और सादिक हमारे साथ है, हाँ प्रोफेशनल, हाँ बिल्कुल, जो मतलब इनका जो काम है बेसिकली, हमजा ऑटो जा रहा हूँ और इनका बेसिकली काम यही है कि इंजन बेचना और इंजन स्वैप करके देना, बाकी लाइट वगैरह का जुम्मा हफ्ता इतवार बस, हफ्ता इतवार बस, हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अच्छा अच्छा देख रहे हैं, ये सामान अभी सेल होके निकल गया, ये सारी फ्यूल फ्यूल की टंकी हैं, ठीक है जी, डीजल की फ्यूल की। और ये गाड़ी शायद पाकिस्तान में पूरी खराब है, आइए मेरे पिछली वीडियो में दिखाई थी ये अर्बन क्रूजर के नाम से, इसके ना इंजन आप स्वैप कर रहे थे, वो प्रियस का किया है, नहीं उसका एक्सजीओ का किया है, ठीक है जी। ये देखें जी, ठीक है ठीक है। हमजा भाई कैसे हैं, क्या हाल है जी, ठीक है। अभी हम चलते फिरते आपकी दुकान पर आ गए, माशाल्लाह जी इनका सामान चेक करें जी, नया स्टॉक उठाया इन्होंने आज, लगता ताज़ा कंटेनर ओपन हुआ है, और अभी सफाइयाँ चल रही हैं, आपको मैं सारा दिखाता हूँ, ये चेक करें जी। तो आज इनके रेट मैं बता दूँगा, बिकॉज़ ये
अब यहाँ पे ना ऑनर भी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऑनर से हम सारा रेट वगैरह भी ले सकते हैं और आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि बस दिखा के निकल गए। ये दुकान इसलिए मैं सिलेक्ट की हुई है कि बंदा ना रेट अच्छे, मतलब कि रेट बता देता है, आपको अच्छे लगते नहीं लगते वो अलग बात है, लेकिन आपको प्राइस का डाउट होता है ना, हम प्राइस भी बता देते हैं। तो हमजा भाई शुरू करें फिर। जी हमजा भाई, आप बताएं जी आपके पास कौन सा नया स्टॉक आया है और प्राइसेस भी बतानी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह सारा आया हुआ है जी, न्यू स्टॉक सारा आया हुआ है। अच्छा, सिटी पड़ी हुई है, जीएम पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये होंडा सिटी, ये जो IDSi जी, चूहा शेप जिसको कहते हैं। हाँ, चूहा शेप। तो ये क्या आजकल क्या रेट चल रहा है इसका? इसका रेट चल रहा है, ये कंप्लीट इंग्लेट कोयले वगैरह में हेड असेंबली जो है ना, ये आपको मिलेगी 58,000 में। हेड असेंबली विद ये कॉइल भी है। अच्छा, स्टार्टर बॉडी भी है, इंग्लेट भी है, सारा कुछ है। ठीक है। अच्छा, ये एक 1500 cc भी आता है। 1300-1500 एक ही रेट है दोनों। अच्छा, दोनों का एक ही रेट है। ठीक है। और इसके ये बाद पड़ा हुआ है ये 1000 cc जो नया मॉडल का, नहीं ये वाला। अच्छा ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये इसको आप उठापट कवर खोल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये क्या इसकी कीमत चल रही है? ये आपको मिलेगा ये 75,000 में, हेड असेंबली। अच्छा, उठापट कवर खोल रहा, देखे ना इसको, मैं खुलवाया ये देखा जी, जो जो पॉसिबल है वो आपको खोल के दिखा रहे हैं, बाकी के ऊपर इंग्लैंड वगैरह लगे हुए ना, बहुत मुश्किल है खोलना। चले सही है, जितना भी हो हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। और मिन कंडीशन में ये अभी ताज़े ताज़े स्टॉक आए थे, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये जो है मीरास, ठीक है, इसका भी टेबल कवर खुलवाया हुआ है मैंने। टेबल कवर चेंज कर सकते हैं आप? अच्छा, ये खराब से नहीं उठेगा? हाँ, खुला हुआ। हाँ, खुला हुआ, वो वायरिंग लगी है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये मीरा का इंजन है, ये 660। अच्छा, लास्ट किया। और ये कितने का मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा मीरा का इंजन, ये आपको मैं 38,000 में। फिर सिर्फ क्या हेड असेंबली? हेड असेंबली। अच्छा, कंप्लीट कितने का चल रहा है आजकल? कंप्लीट जो है मुख्तलिफ है, फिर ना इसमें एक GR वाला है, उसका अलग रेट है। फिर लोग जो है ना अक्सर बोलते हैं वीडियो में आपने रेट बता दिए, लेकिन इसमें मुख्तलिफ है ना, ये देखिए बिल्कुल मिन कंडीशन में। ठीक है, ठीक हो गया जी, सही हो गया जी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा काम किया आपने, खोल के दिखा दिया। हाँ, ये मैं एक दो इंजन मैंने खुलवाए हुए थे, मतलब जो इजी है ना खुलने के लिए। ठीक है, ठीक है। ये GM है, ठीक है, ये GM वो उसका होंडा सिटी में जो नया मॉडल है, 2014-13-12 से के बाद जो है वो। हाँ, समझ गया। ठीक है, ये देखें अंदर से। ठीक है, यहाँ पर जारी लगी नजर नहीं आ रहा वैसे, बिल्कुल मिंट कंडीशन है। ठीक है, ये जिस तरह की अभी आप ये देख लें, ये एक निशानी होती है, जैपनीज कलर लगा हुआ है ये। हाँ, ये इसके ऊपर आप जाग भी देख सकते हैं, ये इस तरह की ना, ये बाहर से आते हैं। और ये पाकिस्तानी नहीं है, व्यूअर्स का फेवरेट स्टॉक आया हुआ है, 660 की कलेक्शन है सारी। ये मतलब जो मेरान FX, हाँ, FX में डाल रहे हैं, मेरान में, FX में, आल्टो में, ठीक है ना, फोर में, ठीक है, इन सब में जो है ना ये इंजन डालने के लिए। तो ये आजकल क्या इसकी कीमत जा रही है? ये देखिएगा, जेन्युइन काम करवाना, मार्केट में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, है, ठीक है। आप जिस तरह का रेट, अगर जेन्युइन काम करवाना चाहते हैं ना, तो वो उसमें हम एडजस्टमेंट भी करते हैं ना, अगर आप पुराना देते हैं वो इंजन अपना ना उसका। हाँ, वो तो मतलब आप, हाँ, कहने का मकसद ये कि आप स्क्रैप में जाता है ना, स्वैप भी जैसा ये भी कर रहे हैं, स्वैप कर रहा हूँ। तो अगर वो पुराना देते हैं कंप्लीट फिटिंग के साथ, ठीक है, हम मीटर आल्टो में सिर्फ मीटर फिट करके देते हैं, आल्टो के अलावा मीटर नहीं किसी में फिट करते हैं, मीटर और ऑयल के अलावा 30,000 रुपये में हम करके देते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, कंप्लीट फिटिंग, इसमें लीवर भी आता है, इसमें गोडे भी आते हैं, इसमें फाउंडेशन भी आते हैं, इसमें मैकेनिक लेबर, इलेक्ट्रिशियन लेबर, ए-टू-ज़ेड जितना सामान है ना सारा कुछ आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, सिलेंसर का काम आता है, अच्छा, लीवर आता है, ये चीज़ सारी कुछ आता है। चलो, वो तो आप जो कॉल करेगा आपको, हाँ, ये सिल्वर समझा देना, ये ब्लैक टेबल कवर में ये वाला। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इनमें सीरीज का फर्क है? हाँ, है ये आल्टो की। मैं तो रिकमेंड सबको ये सिल्वर टेबल कवर खरीदता हूँ, लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं मैं ब्लैक टेबल कवर चाहिए, तो ब्लैक टेबल। अच्छा, ये सिल्वर और ये ब्लैक, ये फर्क है? जी जी। तो इनमें कोई अंदर भी फर्क है कि नहीं? अंदर ये न्यू मॉडल का है, ये पुराने मॉडल का है, इसमें फर्क क्या था? जब ये लगाते हैं ना इसको, आपको कुछ चीजें जो है ना इसकी लगानी पड़ती है उन गाड़ियों में स्टार्ट करने के लिए ना। अच्छा, जब एक चीज चेंज कर रहे हो, अल्टरेशन हो रही है ना, हाँ, तो जाहिर सी बात है वो फिर फ्यूल कंजप्शन में भी प्रॉब्लम करती है, फिर कस्टमर जो है ना हमसे जो चीज यहाँ पे पैक पड़ी थी ना, समझो कांचा पीस उसमें, इसके फाउंडेशन वगैरह भी लगे हुए हैं, एक एक चीज लगी हुई है। अच्छा यार, मैं सोच रहा था मज़्ज़ा का इंजन चेंज कर लूँ,
तो क्या रिकमेंड करते हैं? मज़ा आपकी वाली में? हाँ, उसमें इंजन कौन सा पहले? उसमें मैंने स्वैप किया हुआ 3SFE। 3SFE तो, और उसके अलावा कौन जहाज बनाना है उसको, कोई और डालना है? क्यों, वो मुझे तो लग रहा कम है वो। नहीं नहीं, हिसाब से मजदे के लिए तो मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा इंजन है। गियर कौन सा लगा उसमें? 2C का मैनुअल। हाँ मैनुअल है। और कोई तो मुझे नहीं लगता कोई और किसी चीज़ की जरूरत है। अच्छा, तो क्या आजकल कीमत जा रही है उसकी? 2C की मुख्तलिफ जैपनीज इंजन जो है ना, जैपनीज इंजन 2C जो है, 2C नहीं, 2C नहीं, वो 3SFE, 3SFE जो है ना, उसकी हेड असेंबली जो है ना वो 1.5 लाख से ऊपर है। और कंप्लीट जो है वो 3 लाख रुपए का जैपनीज। वो तो क्या मार्क एक्स से भी महंगा इंजन है इसका? महंगे हो गई। नहीं, ये मार्क एक्स का जो 2GR है वो 4 लाख रुपए का। अच्छा अच्छा अच्छा, 4GR 2GR में क्या फर्क है? 4GR जो है 2500 है। अच्छा, 3GR जो है 3000 है। अच्छा, 2GR जो है 3500। अच्छा अच्छा, मैं समझा जितने 3 लग रहे हैं 2 लग रहे हैं उनका CC बढ़ता जा रहा है। इसका उल्टा सिस्टम। अच्छा, उल्टा सिस्टम है। ठीक ठीक, ये अभी कंप्लीट इंजन आ गए हैं, वो भी कंप्लीट बड़े में। अच्छा ठीक है, ये अब कंप्लीट है, मतलब इसमें बड़े इंजन है थोड़े से ना। ठीक है, हेड असेंबली नहीं है ये। ये वो पड़ा हुआ है करोला का, ग्रैंडी का पड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है, ये 14 मॉडल वगैरह के ना? हाँ, ये 16 मॉडल में आया हुआ है। ठीक है, 1ZR है, लेकिन स्पेशल एडिशन है जो ATM गियर के साथ आया ना। अच्छा, ये वो है। ठीक है, मेरे पास पिछले हफ्ते में पड़े थे, मेरे 3-4 पड़े थे, वो फिर सेल हो गए थे। अभी ये फिर 7 दाने हो रहे थे। तो ये कितने का जा रहा है आजकल? ये अभी जो है ये आपको मिलेगा 2,60,000 रुपये। ओहो, बड़ा महंगा है ये स्पेशल एडिशन में। तो गियर इसके साथ नहीं है ना? गियर है, ATF गियर है। अच्छा, कंप्लीट इंजन है ये। ठीक 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 ठीक, कंप्लीट इंजन है। ठीक है, और एक्सियो का है ये वाला जी, ये न्यू मॉडल पासो का है। अच्छा, ये वाला देखो, न्यू मॉडल पासो का। हाँ, न्यू मॉडल पासो। अच्छा, पासो के बहुत कम आते हैं। नहीं है मेरे पास, वो अंदर भी पड़े हैं। उसका टेबल कवर भी मैंने एक से खुलवाया, वो भी दिखाता हूँ। ये न्यू मॉडल है, वो पुराना मॉडल है। इसको भी टेबल कवर खोलने के लिए इसकी सारी चीजें खोलनी पड़ती है। पासो का इंजन किस किस गाड़ी के अंदर आता है? पासो का इंजन तो पासो में ही आता है ज्यादातर। पासो का इंजन इतना गाड़ियों में नहीं आता, क्योंकि टोयोटा का आता है ना, मुख्तलिफ मॉडल आता है। 1KR जो है ना, विड्स और पासो का जो डाउन मॉडल इंजन, इनकी शक्लें सेम है, लेकिन एक दूसरे को लगते नहीं है। अब ये देखें ना, ये आप नहीं पहचान सकते। हाँ, सही है ना। हम लोगों ने भी सिंपल जो निशानी रखी हुई ना, एक छोटी सी रखी हुई। हाँ, ठीक है ना। वैसे जो आप बाहर से बंदा आएगा वो नहीं पहचान सकता। ठीक है ठीक है, ये न्यू मॉडल पास हुआ है। इसका भी आपको टेबल कवर खोल के दिखाता है, जैसे दिखा दें। अच्छा, लेकिन इसके सारा सामान खोलना पड़ता है। देखिए अंदर से, हाँ, सारी वो ऊपर लगी हुई किट, ये देख रहे हैं, बिल्कुल मिंट कंडीशन में इंजन जो भी आपको मिलेगा। तो ये कितने का मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट इंजन मिल जाएगा, ये आपको 1,20,000 रुपये मिल जाएगा। अच्छा, कंप्लीट गियर गियर से मैं सारा। ठीक है ठीक है, 1,20,000 सिटी के ऊपर आ गए। ये कंप्लीट है? हाँ, ये कंप्लीट सिटी, वो हेड असेंबली थी, ये कंप्लीट है। तो ये कितने का मिलेगा? ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा 1,20,000 रुपये में। ये भी ठीक है ठीक है, वो एक्सियो का पड़ा हुआ। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं ये, मैं आपको पता है, मैं 2018 से इधर आ रहा हूँ। 2020 की बात कर रहा हूँ, इसकी हेड असेंबली हम 26,000 रुपए की बेचते हैं। ऐसा ही है ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, 58 की हो, मेरा कजन नहीं उसामा, वो हर मतलब उसामा भाई आते रहते 50-60,000 किलोमीटर के बाद नई असेंबली डालते थे, कहते हैं नहीं करवाना रिपेयर, बस असेंबली डालो। अच्छा, तो ये वाला इंजन, ये 2ZR है, 2ZR 1800 है, वो 1600 था वो वाला। ठीक है ठीक है, ग्रैंडी का ये 1800 है ग्रैंडी पे। और ये इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है ये 2,60,000 का, इसकी भी कीमत है CVT गियर के साथ। अच्छा, CVT गियर के साथ 2,60,000 रुपये। अगर आप ये पीस लें ना, इसका जो सिर्फ गियर है ना, अभी इस टाइम 1,45,000 रुपये पहुँच गया ये चीज़। मैं ये बाकी मैं इसलिए ये चीज़ दिखाना चाह रहा था। अब हेड असेंबली पे लोगों को समझ नहीं आती, हेड असेंबली बेसिकली होता है ये ब्लॉक होता है। हेड असेंबली ये पड़ी हुई, इसको ये दिखाना। हाँ, ये मिड का ब्लॉक होता है सारा। ठीक है, ब्लॉक जो है इसको हेड असेंबली, इंजन इस बेसिकली इंजन होता यही है, इंजन तो यही होता है। इसके साथ फिर वो हमारे इंसान के साथ सेल्फ होता है। ठीक है, वायरिंग होती है, सेल्फ जनरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, बहुत सी चीजें होती है, इनलेट होता है, एग्जॉस्ट होता है, सारा कुछ लगा। हां एग्जैक्टली। अच्छा, ये वाला ये टर्बो है, ये उसका एवरी का टर्बो इंजन, एवरी का। अच्छा ठीक है, ये बड़ा मजे का बना हुआ, लेटा लेटा ये लेटा होता है ना, इसको इधर तो चिब्बा इंजन कहते हैं, कहते हैं लेटा होता है ये। ठीक है, स्ट्रेट नहीं आता, ये स्ट्रेट खड़ा नहीं होता, इसे ये स्ट्रेट खड़ी है ना। हाँ, ये लेटा होता है, सीट के नीचे आता है ना। ठीक ठीक ठीक, ये भी अच्छी चीज है वैसे। और ये अकॉर्ड K24। ठीक है, इसकी क्या कीमत जा रही है आजकल? K24 इसकी हेड असेंबली आपको मिल जाएगी इब्राहिम भाई, आपके उसके व्यूअर्स पे ना, अगर कोई आएगा तो 1,20,000 रुपए की मिलेगी। 1,20,000, तो ये मैं बिल्कुल मिंट कंडीशन में। ये हेड असेंबली तो नहीं लग रही मुझे, ये हेड असेंबली नहीं है, ये कंप्लीट है ना। आपको हेड असेंबली दूंगा मैं। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सेल हुआ है? नहीं, सेल नहीं हुआ। ठीक है, ये व्यूअर्स आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, फ्लैश ऑन नहीं हो रहा, वो तो होता है। देखें नीचे, दूसरे प्लान नीचे देखें, बिल्कुल ये भी मिंट कंडीशन में। ठीक है ठीक है, व्यूअर्स आपको हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं।
वीडियो लंबी इसलिए होती है कि आपको थोड़ी डिटेल दे दी जाए। ये विड्थ 1000 सीसी है। अच्छा 1000 सीसी, ये पुराना मॉडल जो है। हाँ, 4 सिलेंडर जो है। 4 सिलेंडर जो है, ठीक है, ये इंजन बड़ा कामयाब है। ये कितने, ये सामने खड़ी है बल्कि। हाँ, इसको जो है ना फ्लॉप कर दिया मेरे हिसाब से इंजन को इसने, K3 ने। कौन सा? K3 ने। ये पासो का है, स्पोर्ट एडिशन में आया हुआ। अच्छा, ये 4 सिलेंडर है ये भी। हाँ, ये 4, लेकिन ये 1300 सीसी है। ठीक है, ये हाँ 1300 सीसी आया हुआ है। और ये अल्ट्रेशन में अगर कोई चाहता है ना तो ये सबसे बेस्ट है। तो ये कितने का मिल रहा है? ये अल्ट्रेशन में मुख्तलिफ गाड़ियों का अलग अलग अल्ट्रेशन होती है ना। नहीं नहीं, ये कितने वैसे सिर्फ इंजन अगर चाहिए ना एग्जॉस्ट के बाद, ये आपको 1,10,000 रुपये का मिलेगा। और वो इंजन जो है ना वो 1,65,000-70,000 रुपये का है, 1000 सीसी। और इसकी एवरेज उससे अच्छी है। नहीं, अब बताइए बात, 1300 सीसी भी है। इसकी पिक मैं बोलता हूँ आप इसके साथ 1600 छोड़ दें, इसके साथ नहीं जुड़ता। मैं भाई ये मिसाल देता हूँ लोगों को, छोटा इंजन जो होता है ना वो, ये मिसाल है आप अपने साथ कोई छोटा सा बच्चा वॉक करा लो, बच्चे की टांगे तेज चल रही होंगी, आप स्लो चल रहे होंगे। नहीं, लेकिन इसके तो ये मतलब और इंजन भी पड़े हुए ना यहाँ पे, लेकिन हाँ। जो इसके अंदर पिक है ना मैंने नहीं देखी किसी इंजन में। जाहिर बात है 1.3 हमने मिड्स की भी चेक की हुई है, वो उससे भी बहुत बेहतर है। एक सिलाई भी, एक सिलाई नहीं पकड़ सकती। इसको K3 कहते हैं, K3 कहते हैं, पासो का था K3। चलें, ये इसकी रिसर्च करूंगा आज जाके, मैं लाजमी करें, लाजमी करें आप। ये ठीक है, ये मिनी पिजारो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मिनी पिजारो, ये डीजल आता है पेट्रोल? पेट्रोल, पेट्रोल 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 मैं वैसे पेट्रोल का काम करता हूँ। अच्छा, पेट्रोल का ही काम करता हूँ। ये जो है जीएम होंडा नई मॉडल का कंप्लीट कर पड़ा। जीएम क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं। होंडा सिटी मॉडल को जीएम कहते हैं ना। अच्छा, मॉडल के नेम नहीं, नहीं हम नहीं कहते इस मॉडल को, कहते जीएम है। अच्छा, हाँ जीएम कहते हैं इसको। ये एक सिलाई की हेड असेंबली है, ये एक्सियो इंजन है। ठीक है, जे असेंबली, ये असेंबली, ये एक सिलाई की है, वो ऊपर पड़ी हुई है, वो भी ठीक है। ये एक सिलाई है हमारी 2006-07 नहीं ऊपर तक है, 16 तक ये। अच्छा 16 तक, ये कितने का मिल जाता है? ये हेड असेंबली मिल जाएगी 1,25,000 रुपये में। और कंप्लीट? कंप्लीट आपको मिलेगा 1,85,000 रुपये। कंप्लीट पड़ा हुआ? कंप्लीट इधर नहीं पड़ा, गोदाम में पड़े हुए। अच्छा ठीक है, आप गए थे गोदाम? नहीं गोदाम नहीं गए अभी, हम बाहर बाहर देख रहे हैं। वो जो आपका जो थोड़ा कंटेनर ओपन हुआ था ना, अब इसका रेट शेट हमने बताया नहीं, बताया हमने कहा चले ये चीज़ नहीं, वो अभी रेट लिस्ट आई नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ओरियल पड़े हुए हैं होंडा सिविक 2005-06 मॉडल। ठीक है ठीक है, तो ये क्या कीमतों में मिल जाती है? ये आपको मिल जाएगी 1,10,000 रुपये में हेड असेंबली। अच्छा 1,10,000 रुपये। हाँ, वो हाई जेट पड़ा हुआ है। हाई जेट वो वही वैगनर टाइप, ओ सॉरी वो वैन टाइप, एवरेज एवरेज टाइप जो है ना। ठीक है ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 1,00,000 और कंप्लीट 1,40,000 रुपये में। निसान की हाई जेट आती है, किसी और की आती है? हाई जेट जो है होंडाई की आती है। अच्छा ठीक है, होंडाई देगा ना। भूल गए थोड़ा सा, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, गाड़ियों का पता होता है। ये है पासो डाउन मॉडल। ठीक है, टेंपर्ड कर, क्लॉकर ऐसे दबा रखा, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खोला हुआ उसमें। ये लाइन लो भाई, मैकेनिक भाइयों तसल्ली कर लो, इंजन पाकिस्तानी चला हुआ है या बाहर का चला हुआ है, ये आप खुद ही तसल्ली कर लेना। चेक कर रहे हैं, जो अंदर इंजन आएंगे जो जैपनीज होंगे सारे। अच्छा, मतलब कोई ग्राहक खरीदता है आप उसको ऐसा खोल के दिखा देते हैं? खोल के दिखाऊंगा मैं, टेपर्ड कवर खोल के दिखाऊंगा मैं, और जिसने लगवाना है वो स्टार्ट करके भी देंगे। हाँ स्टार्ट करके, यहाँ स्टार्ट नहीं, इधर स्टार्ट नहीं होती ना ये गाड़ी की, में डल के स्टार्ट होती है। अच्छा एक और चीज बड़ी होती है, होती ये है कितने चले हुए होते हैं आप? सर जी चले हुए जो भी आपको बताता है, एक दो चीजें मैं आपको, एक जो मॉडल आपको कोई बताता है कि ये इस मॉडल का है कन्फर्म, वो झूठ बोलता है। ठीक है, आपको ये बता दे कोई कि ये इतना चला, वो झूठ बोलता है। अच्छा है? बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो जो बाय वन क्यार आपको खोल के दिया था उसको 2 या 3 ऑयल चेंज हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम ये है। मतलब अंदाजा हम लगा सकते हैं, एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ये बड़ी अच्छी बात की, नहीं तो लोग कह देते हैं जी 5,000 चला, 10,000 चला, ये ऐसी झूठ बात है, झूठ बात है। ठीक है, ये इनसाइड का है होंडा इनसाइड। ठीक है, इसका ही नाम नहीं आ रहा था इनसाइड का, वो बाहर भी इंजन एक देखा था। हाँ। मैं कहा यार ये होंडा कोई हाइब्रिड है उसका इंजन, ये इनसाइड का होंडा इनसाइड का। ठीक है, तो ये इसकी हाइब्रिड किट पूरी मिल जाती है? हाइब्रिड किट वगैरह का काम मैं नहीं करता, मैं सिर्फ इंजन का करता हूँ। अच्छा, वैसे लोग लेके जाते हैं? हाँ लोग आ करते हैं आगे। ये नया ऑल्टो है, जो न्यू ऑल्टो नहीं है ये हमारी पाकिस्तानी जो, नहीं नहीं शक्ल वही में भी आया हुआ है, ये इंजन आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल नए में नहीं, उससे तो 15 तक जो है ना वो ये इंजन आया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, 15 तक 3 सिलेंडर R06 कहते हैं। ये वैगनर में भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, निसान मोको वगैरह हो गई 660 सीसी। ठीक है, इन सब में ये आया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, ये है ये है ये है, वो दो पड़े हुए हैं, एक उसके बीच में मीरा पड़ा हुआ है, ये इसका इसका कंप्लीट इंजन पड़ा हुआ है। अच्छा हमजा भाई, ये मैं इस साइड की हम लाइन भूल गए, ये बताएं क्या क्या चीज़ें पड़ी? ये एक्सियो के पड़े हुए हैं दोनों। ठीक है ठीक है, ये 1ZFE नहीं, ये तो R1NZ है। अच्छा, R1NZ लिखा हुआ है, R1NZ आते हैं एक्सियो में। अच्छा ठीक है ठीक है, और ये रिबॉन है।
अच्छा रिबॉन, होंडा रिबॉन, ठीक है ठीक है ना। ये कितने का जा रहा है आजकल? ये होंडा रिबॉन आपको एग्जॉस्ट के बगैर मिलेगा, ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं, एग्जॉस्ट इसका जो सिर्फ एग्जॉस्ट है वो 45,000 रुपए का। अच्छा 45,000, हाँ, सिर्फ इंजन जो है ना ये आपको मिलेगा प्यारे भाई 1,35,000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है ये खोल के दिखा दें, ये भी इंजन बहुत तगड़ा है जी, बिल्कुल मिंट कंडीशन में ये भी। अच्छा दिखा ही देते हैं अपने व्यूअर्स को, खोजा सही वो देखे ना, बिल्कुल वाइट है, ठीक है ये लो जी तक खोलो जी, ठीक है ये हल्का सा ऑयल पड़ा हुआ ऊपर, वो तो जाहिर बात है ऑयल के बगैर चलता है क्या? ये रिबर्थ है। अच्छा अच्छा ये अगले मॉडल की, ठीक है रिबर्थ जो आई हुई है, ठीक है ठीक है, ये ले जी इसका भी देख लें, तो बस ओके हो गया जी, ओके ये लें जी, वहाँ दो मिनट लगे तो वाला ठीक हो गया जी। ये वाला कितने का मिल जाएगा? ये वाला 1,35,000 का, ये 1,35,000 का मिलेगा। ये आपको इसकी अगर हेड असेंबली लेते हैं जैपनीज की, ठीक है ये जैपनीज मतलब इंजन के सबको ब्लेड इंजन से खोल कर दूंगा, तो इसकी हेड असेंबली 1,45,000 रुपए की मिलेगी, नहीं 1,45,000 की नहीं उस एक्सचेंज में। अच्छा 1,60,000 रुपए की मिलेगी। अच्छा 1,60,000 रुपए की, हाँ, और हेड असेंबली, हेड असेंबली अगर कंप्लीट लेंगे ये आपको मिलेगा 2,40,000 रुपए में, 2,40,000 रुपए में मिलेगा आपको कंप्लीट इंजन। ये कोयले पड़ी हुई है, अच्छा ये एक सलाई की पड़ी हुई है, ये देखें 660 की पड़ी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये लियाना की पड़ी हुई है, लियाना का भी सामान पड़ा, हाँ लियाना जापान से आता है ना सामान, लियाना अच्छा लियाना के इंजन भी आते हैं, हाँ जापान से आते हैं, लियाना का पड़ा हुआ है, स्विफ्ट है, स्विफ्ट का पड़ा हुआ है, अच्छा स्विफ्ट का ही पड़ा हुआ है, ये कंप्रेसर पड़े हुए हैं, ठीक है ठीक है, ये कंप्यूटर वगैरह पड़े हुए हैं, ये कंप्रेसर, ये सल्फ जनरेटर पड़े हुए हैं सारे, ये देख रहे हैं सल्फ, अच्छा ये हाँ ये सल्फ पड़े हुए हैं, जनरेटर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वीटेक्स पड़े हुए हैं, ठीक है ठीक है, ये कम्प्लीट इंग्लेट पड़े हुए हैं, सही इंग्लेट वगैरह, ठीक है ये 660 के लग रहे हैं, नहीं नहीं मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ है ठीक है, 660 भी सारे हैं, ठीक है ठीक है ना, ये बकाया सामान है इंजन, इंजन से रिलेटेड सारा सामान पड़ा हुआ। अच्छा अब यही है ना, मैं इसलिए दिखा रहे हैं ये गियर पड़े हुए, 660 का 4 स्पीड पड़ा हुआ, जो भाई आपको फोन करे उनको सिर्फ आपके पास इंजन का सामान है जी, इंजन का सामान पड़ा हुआ, ठीक है सही हो गया। जैसा कि व्यूअर्स आपने देख लिया, मैंने आपको कम्प्लीट दिखाई है रेंज जी व्यूअर्स, जैसा कि अभी आपने देखा मैं आपको यहाँ पे वर्कशॉप का सारा सीन दिखाया, और ये हमजा ऑटो है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये ऊपर वर्कशॉप का बोर्ड लगा हुआ है, इधर आपको आई जेपी रोड से सामने नज़र आ जाएगा, बकाया बंदा ग्रेट है भाई, और श्योरिटी देता है चीज़ की, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, गारंटी हो तो और क्या चाहिए आप लोगों को। और बाकी जो यहाँ पे मैंने पार्ट्स दिखाए हैं इनके ऑनर्स अलग हैं, इनके बकाया सारी चीज़ें अलग हैं, यहाँ पर आपको खुद ही हंटिंग करनी पड़ेगी, खुद ही आपको इनके ऑनर ढूँढने पड़ेंगे, सामान ढूँढना पड़ेगा, फिर आपको जाके चीज़ मिलेगी। ज़्यादातर ये सुल्तान के खूब पेशावर लाहौर चला जाता सामान, तो आपको इन शॉपों से भी आराम से सामान मिल जाएगा, वो कहते हैं छांटी करके वहाँ पर सामान चला जाता है, अगर आपको खवारी काटनी है तो इधर आके आप अपनी चीज़ अपनी पसंद की ढूंढ सकते हैं। बकाया हमें दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।